Assalamualaikum viewers, I hope you are doing well. Welcome back to my channel Nishat and Nishat Kitchen. आज मैं बना रही हूँ मौसम्मी का जैम. जैम बनाने के लिए 1 kg मौसम्मी लिए हैं और 2 नींबू लिए हैं. इसका हम जेस्ट डालेंगे और 4 लेमन्स का हमने जूस निकाला है. 2 कप इसमें चीनी डालेंगे. सर्दियों में धूप में बैठ के मौसम्मी माल्ट ऑरेंजेस खाने का अपना ही एक मज़ा है. सर्दियों में रज़ाई में बैठ के ड्राई फ्रूट और धूप में बैठ कर मौसम्मी खाने का अपना ही स्वाद है. 2 मौसम्मी के छिलकों को हमने बारीक बारीक काट लिया है. मौसम्मी को बारीक बारीक काटते जाएंगे और इसमें से बीज अलहदा करते जाएंगे. ऑरेंजेस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं. ये इम्यून सिस्टम बढ़ाता है और अनीमिया में बहुत फ़ायदेमंद है और ये आपको स्मूदर स्किन देता है. स्किन के लिए इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं. कटे हुए मौसम्मियों को ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से शेक कर लेंगे. देगची में जूस डाल दिया है और साथ ही 2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे. अब इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे. मौसम्मी के छिलके जो हमने बारीक बारीक काटे थे वो इसमें ऐड कर देंगे. देगची को कवर कर देंगे ताकि ये मौसम्मी के छिलके अच्छी तरह से गल जाए. जी अब ये मैं डाल रही हूँ इसमें लेमन जेस्ट. आप इसमें 2 पिंच नमक भी डाल सकते हैं. इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे लेमन जूस और चीनी. वन एंड हाफ कप यानी 1.5 कप चीनी डालेंगे.